देखिए राजस्थान में फिर राजनीतिक भावना से ईडी का दुरुपयोग हो रहा है। सरकार बदल गई, सरकार बदलने के बाद कोई नया डेवलपमेंट नहीं है। जिन बातों को लेकर पब्लिसिटी की जा रही है, बार बार जेएमएम की बात की जाती है, जलदाय विभाग की बात की जाती है, उनके हाथ में जलदाय है, वो बताएं कहां गड़बड़ी हुई, जेएमएम किस टेंडर में गड़बड़ी हुई, इन सारी बातों की जानकारी उनका विभाग है, उनके पास विभाग है, वो खुद कर सकते हैं। लेकिन ईडी को भेजना, मैं समझता हूँ कि राजनीतिक प्रतिशोध है। मेरे को ईडी के अधिकारियों से कोई शिकायत नहीं, उनको आदेश मिलता है, वो आते हैं, उनका स्वागत है, वो अपना काम करके जाते हैं। लेकिन क्यों करके जाते हैं उनके कुछ समझ में नहीं आता। तो ये राजनीतिक विद्वेष जिस तरीके से फैलाया जा रहा है पूरे देश में, ईडी के, सीबीआई के, इनकम टैक्स के, इसके उसके, जो केंद्रीय जाँच एजेंसियाँ हैं उनके माध्यम से जो एक माहौल बनाया जा रहा है, डर फैलाया जा रहा है, ये लोकतंत्र में स्वीकार्य नहीं है। प्रदेश को, देश की जनता इसको देख रही है और आने वाले समय में इसका उचित जवाब देश और प्रदेश की जनता निश्चित रूप से देगी।